जनाब हमने इतने मजेदार वीडियो देख रहे थे। अच्छा आज का टॉपिक भी इसी से कुछ रिलेटेड है। कुछ बच्चे शरारती होते हैं, कुछ जिद्दी होते हैं, और हमें कहा जा रहा था कि दोनों अलग अलग टॉपिक है, लेकिन मैंने सोचा इकट्ठे करके हम इस पे बात करेंगे कि जिद्दी बच्चे शरारती बच्चे आपके नजदीक क्या होते हैं, उनको कैसे हैंडल किया जाना है। हर घर में माशाल्लाह कोई ना कोई एक आध बच्चा जरूर होता है जो इस कैटेगरी का होता है, जिसको हम कह रहे हैं बड़ा ही ढीठ हो गया, बड़ा ही बदतमीज हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। क्यों हुआ है ये भी तो सोचने वाली बात है ना कि वो क्यों हुआ है। हो सकता है उसके अम्मा बाबा दो, कल हम यही बात कर रहे थे, इसमें मैं बात डिटेल करूंगी जनाब। और उसके लिए हमारे साथ सभा शबीर शेख होंगी जो कि साइकोलॉजिस्ट है, और मारवी खान होंगी जो कि एजुकेशनिस्ट है। दोनों को वेलकम करेंगे। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी आप शरारती थी, जिद्दी थी, किस तरह की बच्ची थी सभा? सच वाली बात बतानी आपने। ऐसे पहले मैं जिद्दी थी और बहुत नाराज होने वाली थी। अच्छा लेकिन... वो थोड़ी देर बाद नाराज होके बैठ जाना है, उल्टे होके लेट जाना, नाराज हो जाओ, ये वो वाली बच्ची ये वाला था, और ये बहुत देर तक चलता रहा। अच्छा काफी देर बड़े होने तक ये चीज़? हाँ, मेरा मुझे जहाँ तक याद है कि मैं 10th क्लास तक भी इसी तरह से नाराज होती थी। हम कहीं चले जाते थे, छोटी छोटी चीजों से नाराज हो जाती थी। उसके पीछे मैं ये सवाल सेंसर कर सकती? नहीं नहीं, मैं भी आप शरारती थी, सच जवाब दीजिएगा, जवाब सच देना पड़ेगा। अच्छा जिद्दी तो बिल्कुल नहीं थी, जिद्दी तो शायद अब भी नहीं हूँ। अटक जाऊं किसी चीज पे, मतलब मेरी अपनी जात से रिलेटेड सुई फंस जाए। हाँ सुई फंस जाए, लेकिन बचपन अगर आप कहें तो नहीं, ना मैं शरारती थी ना मैं जिद्दी थी। बस वो आराम सा बच्चा, इतना भी नहीं थी, मैं बहुत एक्टिव किस्म का बच्चा थी। लेकिन हाँ हम हमारा बचपन बोल के अम्मी आके कहती है अब बिगड़ गए हो। अच्छा, क्योंकि हमारा बचपन बहुत अच्छा गुजरा हुआ। अच्छा। इस मामले में ना मैं शरारती थी ना मैं जिद्दी। अरे जबरदस्त। चले साहब आपके घर में बच्चे कैसे हैं, शरारती हैं, जिद्दी हैं, ये आप हमें कॉल करके बताएंगे। और अगर आप परेशान हैं अपने बच्चों की शरारत से तो हम उनके उसका ये हल लेकर आए। मतलब सबसे पहले तो सब आपकी जान पाएंगे, हम ये कहते हैं बच्चा हमारा बहुत ढीठ हो गया, जिद्दी हो गया, शरारती हो गया, हम ये क्यों नहीं सोचते वो क्यों हुआ ऐसा, वो पैदा होते तो ऐसा नहीं था। एग्जैक्टली आप देखें एक ही घर में अगर तीन बच्चे या दो बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उसमें से एक ही क्यों बदतमीज है, बाकी सारे ठीक क्यों है? बात यह है कि अक्सर पेरेंट्स हमारे पास आते हैं और वो बताते हैं, अगर मैं उनसे पूछूं कि आपके घर में किसी की कोई लड़ाई होती हो, बच्चों के सामने पेरेंट्स का कोई क्लैश होता हो, तो वो कहते हैं ये तो हर घर की बात होती है, हमारे बाकी बच्चों को फर्क नहीं आया, इसको क्यों फर्क है। बात उनकी भी ठीक है कि बाकी की भी उसी माहौल में परवरिश हो रही है तो इसको क्या इतना, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं बाय पर्सनालिटी, बाय नेचर ऐसे होते हैं, जो जैसे उनकी बर्थ होती है उसके बाद से कुछ बच्चे जो होते हैं वो बिल्कुल बॉदर नहीं करते। हम अक्सर औकात ये देखते हैं कि बच्चा बहुत छोटी एज का है तो हम उसके इर्द गिर्द बहुत शोर मचा रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं, इवन एब्यूसिव भी हो रहे होते हैं। हम समझते हैं कि वो बच्चा कौन सा कोई सुन रहा है, वो कौन सा कोई समझ रहा है। बेसिक बात यह है कि बच्चा जब से पैदा होता है उसके बाद से वो सारी बातें, उसके कान खुले हुए होते हैं, वो सारी चीजें सुनना शुरू कर देता है। एग्जैक्टली और बच्चे को सिर्फ समझ नहीं होती ना, उसके कॉम्प्रिहेंशन में नहीं है, लेकिन उसके अंदर जा तो सारा कुछ गलत रहा है ना। तो बेसिक आपका जो घर का माहौल है, जो इर्द गिर्द पे हो रहा होता है, वो बच्चे को अफेक्ट करता है, वही उसके बिहेवियर को अच्छा और बुरा बना, बुरा बना, वही उसे एक अच्छा इंसान बनाएगा, वही एक बुरा इंसान बनाएगा। मोस्टली जो मैं देखती हूँ अपनी प्रैक्टिस में इस वक्त बच्चों में बिहेवियर प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा, मतलब जिद्दी, शरारती और झूठ बोलना, मतलब और बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि बच्चों में हैं। उसके अलावा हाइपर एक्टिव बच्चे बहुत हैं, बात नहीं मानते, कंसंट्रेशन इश्यूज बच्चों में बहुत हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बिहेवियर प्रॉब्लम्स, ये सारे उन बच्चों में, हम ये नहीं कह सकते कि वो एक बच्चा कैटेगराइज करके यहाँ तो वो नफ्सियाती बीमारी का शिकार है या वो एबनॉर्मल है या कोई बहुत ही अलग किस्म की मखलूक, ऐसी बात नहीं है। वो उसी घर का हिस्सा है लेकिन उसको एडजस्टमेंट नहीं आ रहा, नहीं आ रही, क्योंकि आप उसके इर्द गिर्द कुछ ऐसा कर रहे हैं जो उसको समझ ही नहीं आ रही। आप उसको बताते हैं झूठ नहीं बोलना, आप उसको बताते हैं बदतमीजी नहीं करनी, गाली नहीं देनी, और वही काम आप उसके इर्द गिर्द कर रहे हैं, तो आप उसके लिए एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। ठीक हो गया मारवी, अभी जैसे मैंने कहा कि बच्चा पैदा होते सारे तो ऐसा नहीं होता, और हम लोग उसमें वो चीज डेफिनेटली कहीं ना कहीं से तो आती है, और कुछ जेनेटिक भी होता है। ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया कि जेनेटिक का पर्सनल एक्सपीरियंस। हाँ बताएं। अच्छा अर्मिला, ये प्रोग्राम स्पेसिफिकली पेरेंट्स के लिए, अगर कोई बच्चे देख रहे हैं तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि सिर्फ अपने अम्मा बाबा को टीवी के आगे बिठाइए, क्योंकि ये प्रोग्राम स्पेसिफिकली पेरेंट्स के लिए। अच्छा, दो चीज़ों में मैं इसको डिवाइड करूंगी, एक वो चीज़ जो कि हमारा मसला है, हमारा इशू है, और एक एक्चुअल में जो कहीं जाके बच्चे का इशू निकलता है। अगर मैं परसेंटेज में आऊँ तो जैसे इन्होंने कहा कि बहुत बिहेवियरल इशूज आ रहे हैं, बहुत सारे मसले आ रहे हैं, तो 70% से ऊपर अर्मिला मसला पेरेंट्स का होता है। ठीक है, और मैं ये किस मसले की बात कर रही हूँ, जिस लफ्ज को हम शरारत कहते हैं, जिस लफ्ज को हम जिद कहते हैं, बाज दफा हमारी डेफिनेशन ही गलत होती है उस लफ्ज के बारे में।
अगर फॉर एग्जाम्पल अभी जो आपने वीडियो दिखाई तो इतनी प्यारा कॉमेंट इन्होंने किया, ये कहाँ से शरारती बच्चा है, ये कहाँ से जिद्दी बच्चा है, ये तो हमें बहुत सही बच्चा लग रहा था, क्योंकि वो समझती हैं कि शरारत और जिद का वो लेवल नहीं है इस वीडियो में जिसे आपने अभी शुरू में शो किया। इसी तरह आप अभी आई विश कॉलर्स कॉल करें और मुझे ये बताएं कि उनको कौन सी शरारत बुरी लगती है, ताकि मैं उनको ये बताऊं कि वो शरारत तो एक्चुअल में बच्चे बेचारे एक्चुअल में एक बीमारी का शिकार होते हैं, उसे कहते हैं बचपना, ठीक है। उसको एक्सेप्ट करना हर पेरेंट का फर्ज भी है और हर बच्चे का हक है। मुझे समटाइम्स आई बिलीव के बच्चे पेरेंट्स कहते हैं जी वो मिर्च में नमक मिक्स कर दिया, या स्विचेस में हाथ डाल रहे हैं, या फिर वो किचन में आके तोड़ फोड़ कर दी, या फिर कोई चीज तोड़ दी, या फिर कहीं कोई मॉल में खड़े बच्चों पर मुझे बहुत गुस्सा आता है जो मेरा मेकअप तोड़ते हैं। अच्छा जी, ये वाले बच्चे ये सारी चीजें तजस्सुस की वजह से होते हैं, क्यूरियोसिटी की वजह से होते हैं। हर बच्चे में कुदरती तौर पे तजस्सुस होता है, और अगर आप उसके सवालात का जवाब नहीं देते तो उसमें वो क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। और सवाल का जवाब ना भी दे, आई स्वेयर आई एम स्टिल सो क्यूरियस कि मैं जब भी आपके सेट पे आती हूँ, मैं वो जरा पिछले वाले सारे सेट का राउंड लेके आती हूँ, मुझे अभी भी होता है इस खिड़की के पीछे क्या है। और शायद अगर मैं बच्चा होती और मैं अपनी फीलिंग्स कंट्रोल ना कर सकती तो आपके सेट के पीछे घूम रही होती, फिर आप कहते हैं शायद मैं शरारती हूँ, कुछ भी है, बट दैट इज क्यूरियोसिटी। प्लीज पहले डेफिनेशन सीधी करें शरारत की, जिद की, क्यूरियोसिटी की। वो बच्चे जो वो देखना चाहते पान के ग्लास में क्या है, उसमें क्या, अगर नमक मिर्च को मिक्स करेंगे तो इनका हल पता है क्या होता है बेटा? सबसे पहले तो आपको क्योंकि टेंशन होती है, आपने बाद में सफाई करनी होती है, आपने बाद में चीजें अलग करनी होती है, आपने बाद में मेकअप इस्तेमाल करना होता है, इसलिए आपको टेंशन हो रही होती है। आप अपनी टेंशन की वजह से वो जो अपना एग्रेशन बच्चे पे निकालते हैं, या उसको डांटते हैं, या उसको वो जो उसको रिएक्ट करते हैं, दैट इज योर प्रॉब्लम, दैट इज नॉट एट ऑल द चाइल्ड्स प्रॉब्लम। सो 60% इश्यूज आपके रिजॉल्व हो जाएंगे अगर आप ये समझें कि ये उस बच्चे का हक है, ये क्यूरियोसिटी, ये तजस्सुस जो पैदा करे। अच्छा, इसको कंट्रोल कैसे करना है, या इससे बात कैसे करनी, उससे मिक्स कर लिया ना, उसने आपका मेकअप तोड़ दिया ना, उस टाइम की अर्मिला देर जो बच्चे ये कर रहे होते हैं ना, अगर कोई जान बूझ के कर रहे हैं, अब आ जाते हैं उन बच्चों की तरफ, तो वो उनकी वजह ज्यादातर अटेंशन सीकिंग की होती है, ठीक है। उसको हम कहते हैं अटेंशन सीकिंग बिहेवियर, यानी कि वो तवज्जो चाह रहे होते हैं। तवज्जो क्यों चाह रहे होते हैं? क्यों मिल नहीं रही होती? थैंक यू सो वेरी मच। हम वही चीज चाहेंगे जो हमें मिल नहीं रही होती। तवज्जो क्योंकि मिल नहीं रही होती। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ अटेंशन जिसको हम कहते हैं, ठीक है, और पेरेंट्स इन्हीं को गलत इस्तेमाल करते हैं। एक कहते हैं पॉजिटिव अटेंशन, एक होती है नेगेटिव अटेंशन, और एक होती है नो अटेंशन, ठीक है। जो पॉजिटिव अटेंशन ये है कि आप कैच देम बीइंग गुड, जब वो कुछ अच्छा कर रहे होते हैं तब उनको अटेंशन दें। फॉर एग्जाम्पल अगर वो बैठ के सुकून से कुछ काम कर रहे हैं, उनको तब हमारा क्या होता है उस टाइम, अल्लाह तेरा शुक्र है सुकून से काम करें, तो इनको बस अब अटेंशन देने की जरूरत नहीं है। आपने क्या किया, आपने उनके पॉजिटिव बिहेवियर को अटेंशन नहीं दी, तो वो दिमाग में ये सोचेंगे इधर तो कोई फायदा नहीं, ये मुझे इसका क्या फायदा, मुझे तो किसी ने कोई अटेंशन नहीं दी। जी सलाम अलैकुम, क्या कहना चाहेंगे? जी वालेकुम सलाम। टीवी पे ना एक ड्रामा लगता है जियो के ऊपर साया जी, तो मेरा जो बेटा है उसकी एज है 6 ईयर्स। Okay. तो ये माँ और बेटा दोनों बैठ के देख रहे होते हैं, जबकि वो अकेला बैठ के वो ड्रामा नहीं देखता, ठीक है। तो मैं इसकी मम्मा को मना कर रहा होता हूँ कि आप इसको ना बिठाया करें साथ, ये बच्चे के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट है, वो डरता है, या फिर वो अकेला वॉशरूम में भी नहीं जाता ना, कि मुझे मेरे साथ चले। तो मम्मा जिद करती है कि नहीं ये ठीक है, कुछ नहीं होता, इसको बहादुर होने दे, इसको जो है ना वो देखने दे। तो क्या कहते हैं आप इस बारे में? ठीक है, मतलब वो एक हॉरर ड्रामा है जिसको दिखाना चाहिए नहीं दिखाना चाहिए सब। मैं ये कहूंगी कि दोनों माँ बाप का ये जो एक क्लैश है ना, माँ कहे कि ये करना है और बाप कहे, ये भी एक बहुत बड़ी खराबी है। मेरे ख्याल से एज के मुताबिक चीजें दिखानी चाहिए, हॉरर मूवीज नहीं दिखानी चाहिए। वो कह रहे कि वो ना, वो अकेला वॉशरूम जाता है, वो डर गया ना, एस्टैब्लिश माँ को समझना चाहिए कि उसमें एंग्जाइटी और फोबियाज डेवलप हो रहे हैं। वो कह रही है वो उसको बहादुर बना रही है, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। हम अक्सर गलत एक्सपोजर गलत एज में करवा के समझते हैं कि हम उसको बोल्ड कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आप देखिए एक बच्चा, मैं तो ये कहूंगी कि अक्सर बच्चे 15-16 साल की उम्र में भी हॉरर चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, एग्जैक्टली बहुत सारी ग्रोथ के वक्त में, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में हार्मोनल इश्यूज भी आ रहे होते हैं, फिजिकल हमारी डेवलपमेंट, केमिकल चेंजेस आ रहे होते हैं, तो इन सारी चीजों को मैं ये कहूंगी कि जो बच्चा खुशी से देखता है सिर्फ उसमें देखें कि कुछ गलत नहीं है तो जरूर दिखाएं, लेकिन जो आप खुद जबरदस्ती बिठा कर दिखाते, जैसे अक्सर मैंने देखा कि एक दो पेरेंट्स मैंने देखे, वो बिल्कुल जो एक कहानी टिपिकल फैमिली इश्यूज वाले ड्रामे होते हैं ना, वो बच्चों को बिठा कर दिखाते हैं लिटरली, और उसके बाद उनकी परवरिश कर रहे होते हैं। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बताता हूं, मेरे घर में भी ना मेरी अम्मी को CID देखने का बड़ा शौक है,
अब वो क्या करती है, बच्चों को पता लग गया कि दादू नहीं देखते हैं, हम सब मना कर रहे होते हैं कि इतना ज्यादा, अम्मी भी अवॉइड करती है कि उनके साथ ना देखे, अब अम्मी की बस कहती है, तो बच्चे क्या करते हैं कि वो इंतजार कर रहे होते हैं कि दादो आएंगी और हम सीआईडी देखेंगे, वो पूरा दिन टीवी नहीं देखते क्योंकि माँ ने कहा है अगर वो एक घंटा देखने तो फिर मैंने कुछ और नहीं, तो अम्मी सीआईडी के आगे बैठती है, बच्चे पूरी लाइन बना के साथ बैठ जाते हैं और अब्बू मेरे सर पकड़ के बैठे होते हैं, इनको सबको जासूस बनाना है। ये तो ठीक है, लेकिन जो कुछ पेरेंट्स ऐसे है जो टिपिकल फैमिली इश्यूज वाले ड्रामे, ये जो जियो और ये सारा कुछ स्टार प्लस के और वो जो पहले लगते होते थे वो बच्चों को बिठा कर, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इंडियन कंटेंट जो है वो बैन हो गया। और एक मदर मेरे पास आई, वो कहती है मैं तो इसकी इंटेलिजेंस चेक कर रही होती हूँ, मैं इसको ड्रामा दिखाती हूँ उसके बाद पूछती हूँ अच्छा इसने क्या कहा था, वो आई थी उसने क्या कहा था, और बच्चों को प्रॉपर वो डायलॉग याद है, डायलॉग याद है और उनको प्रॉपर कॉन्सेप्ट दे रहे होते हैं। मैं कहती हूँ हमें आज तक नहीं पता होगा, वो लिटरली आफ्टर मैरिज भी मुझे सामने वो जिठानी देवरानी और इस तरह की चीजों में मसले आ रहे होते हैं, बच्चों को अभी तक पता है कि कौन सी नंदर कौन सा क्या है, क्योंकि माँ ने उनको इतनी जल्दी वो एक्सपोजर दे दिया। अच्छा ये भी आप सीख नहीं रहे होते। पॉइंट पे मैं जरूर कहूंगी कि आई एम सरप्राइज्ड कि अगर किसी भी प्राइवेट चैनल पे ऐसा कोई भी कॉन्टेंट लगता है जो कि एडल्ट रिलेटेड होता है, दिस इज द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मीडिया, जहां पे जो चैनल्स पे ड्रामास लगते हैं एंटरटेनमेंट चैनल्स के ऊपर प्लीज आपका प्रोक्लेमर चलना चाहिए, ये इतने साल से कम बच्चों के लिए नहीं है, मेरा ख्याल है उस ड्रामे के पहले भी कोई नहीं पढ़ता होगा, अगर नहीं भी पढ़ते मैं अब बता रही हूँ कि पेरेंट्स को पढ़ने चाहिए और मीडिया को देना चाहिए, इट्स अ सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मीडिया, जहाँ पे एडल्ट कॉन्टेंट है वहाँ पे प्लीज मेंशन कीजिए ये ड्रामा या ये वाला कॉन्टेंट इतने साल से कम बच्चों के लिए नहीं होना। क्या लगता है कि मीडिया की बात घर वाले मानेंगे? नहीं, पॉसिबल, जैसे अभी इन फादर को इशू ये आया कि उन्होंने हमसे ये सवाल किया कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आफ्टर इफेक्ट्स तो बहुत बात किया ना, नहीं पता उनको है, वो अपनी वाइफ को समझाना चाह रहे हैं कि ये ठीक है, ये उन्हें पता है, वो पता अपनी उनकी अपनी समझ के ऊपर है सबा, कि वो समझ रहे हैं कि मेरे बेटे को ये इश्यूज आ रहे हैं तो शायद इसलिए नहीं होना चाहिए, बट प्रोक्लेमर्स मींस के साइंटिफिकली और प्रूवन फैक्ट के साथ ये ड्रामा ये कॉन्टेंट इतने साल से कम बच्चे ना देखें। अच्छा जी, हमारे कॉलर है उज्मा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, उज्मा आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, मैं और मेरी पूरी फैमिली आपका शो बहुत और आप बहुत क्यूट हैं। अरे थैंक यू वेरी मच। उसमें आज के टॉपिक के हवाले से कुछ कहना चाहेंगी? जी मैं ये कहना चाहूंगी कि जो ना है ना मेरा बेटा वो 2.5 साल का है। अच्छा। वो बहुत ज्यादा जिद्दी है, वो चूना खाता है, चाय पीता है और ना रात को सोता भी नहीं है, सारा दिन तंग करता है। मिट्टी खाता है? मिट्टी खाता है? नहीं मिट्टी नहीं खाता, चूना खाता है। चूना मिलता कहाँ से उसको? उसको मिलता कहाँ से? हाँ मेरा भी यही सवाल है, कहाँ से मिलता है? वो दीवारों से उतारता है और खा लेता है। ये बच्चों की सबसे हर उम्र के फेवरेट बच्चों की शरारत। ठीक है, तो अब आप जिद कैसी करता है ये हमें बताएं। और होता है तो बस बिला बचाई, बिला बचाई, कोई तो वजह, कोई चीज मांगता होगा, कुछ करता होगा, मतलब अगर हम उसे मना करें ना कि चूना नहीं खाना तो वो रोने लग जाते हैं। चले ठीक है, उसमें अभी कितनी एज आपने? 2 साल। 2.5 साल। ओके, थैंक यू सो मच। उस्मा के लिए जरूरी है कि बच्चा बेसिकली इरिटेबिलिटी का शिकार हो रहा है क्योंकि उसकी कैल्शियम और आयरन की कमी है। जब भी बच्चे चूना खाते हैं, मिट्टी खाते हैं, दीवारों से उतार उतार के कोई चीज खाते हैं या जाते जाते रास्ते में से गुजर के नीचे से कुछ पत्थर उठा के खाते हैं, जरूर किसी फिजिशियन को कंसल्ट करें, उनके कैल्शियम आयरन जो है उसकी बहुत उसकी कमी होगी और उसकी कमी को वो पूरा नहीं कर पा रहे और आप उनको और ज्यादा चिड़चिड़ापन दे रहे हैं, उनको बार बार उस चीज से हटा रहे हैं जो वो खाना चाह रहे हैं। आप खुद सोचें, अगर आपको कोई चीज पसंद है और आप खाना चाहें और आपको बार बार उससे हटाया जाए तो आपको भी चिड़चिड़ापन होगा। इसीलिए जिद और उसमें जो बच्चे में जिद आ रही है उसकी वजह उसके कैल्शियम आयरन और वो अगर रोता है तो इसलिए रोता है कि उसको वो चीज पसंद है। आप उसकी पसंद की पसंद की बात है, इसमें बॉडी की जरूरत की बात है, न्यूट्रिटिव डेफिशिएंसी है उस बच्चे में। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल एग्जैक्टली, जिसकी वजह से अब जैसे हमारा मीठा खाने को दिल चाह रहा है और हमें कहा जाए कि नहीं नमकीन खा लो या पीछे हटो इससे, तो हमें आप पे जो भी रोक रहा होगा उस पे गुस्सा आएगा। इसी तरह पेरेंट्स के साथ बच्चे को हो रहा होता है क्योंकि वो पसंद की बात नहीं होती, जरूरत की। ठीक है, इस बात को हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे और आपसे जानेंगे आपका बच्चा शरारती है, जिद्दी है आपके मुताबिक और कैसी शरारत करता है, ये भी हम जानना चाहेंगे। अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए जागो लाहौर।